देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है, जो लोगों के साथ साथ सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,676 केस मिले हैं। इस दौरान 21 लोगों की मौत भी हुई है। मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ती चली गई। 5 अप्रैल को 5,335 कोरोना मामले सामने आए थे। 6 अप्रैल को 6,050 कोरोना केस मिले। 7 अप्रैल को 6,155, 8 अप्रैल को 5,357 कोरोना मामले, 9 अप्रैल को 5,880 केस, तो वहीं 10 अप्रैल को 5,676 केस सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते सभी पैमानों पर बढ़त दिखाती है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते कोरोना के मामले अब चिंता का विषय बनने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 5,676 कुल मामले आए हैं और जिस तरह से मामले रोज बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन गए हैं। देश भर में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है और अगर एक दिन पहले की बात करें तो एक दिन पहले 5,880 नए कोरोना के मामले आए थे। गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा समेत कई राज्यों में मास्क भी कंपलसरी कर दिया गया है। हरियाणा में 100 से ज़्यादा गैदरिंग वाले जगह पे, यानी कि 100 से ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ मास्क अनिवार्य है। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हरियाणा में जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हैं उनके लिए मास्क कंपलसरी किया गया है। और अगर बात करें कि निर्देशों की, तो साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों में जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, तो वहीं कई राज्यों द्वारा अपील की गई है अपने राज्यों की जनता से कि मास्क पहनना करें और भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। और साथ ही साथ कई राज्यों में प्रेग्नेंट औरतों और बुजुर्गों के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। ये तमाम जिस तरह से आंकड़े जो कोरोना के बढ़ रहे हैं वो कैसे कम हो, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर तमाम राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी कई कोशिशें की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरत समाचार के लिए विनय सिंह।